नमस्कार, हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूथ क्विक में। आज के इस सेगमेंट में हम आए हैं टेक से जुड़ी बातें लेकर अपने इस नए प्रोग्राम बातें टेक की में, जिसमें हम बात करने वाले हैं रियलमी कंपनी के नए स्मार्टफोन रियलमी 7 के बारे में। वैसे ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है और कल दोपहर 12 बजे ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पे यह सेल के लिए यानी आमजन के लिए अवेलेबल होने वाला है। तो सेल में जाने से पहले आइए जान लेते हैं इसकी कुछ खूबियाँ। पहले बात करते हैं इसकी साइज की। रियलमी 7 आता है 6.5 इंच की लंबाई और फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ, यानी आपके मनोरंजन में कोई कमी नहीं रहने वाली है। बड़ी स्क्रीन में आप अपने फेवरेट वीडियो कंटेंट आसानी से देख सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ ही फ़ोन का जो विजुअल्स है वो काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि इसके डिस्प्ले में है 90Hz का रिफ्रेश रेट। इसके अलावा फ़ोन में है एंड्रॉयड 10 का अपडेट और 2.0GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। अगर हम Realme 7 के बैटरी की बात करें तो इसमें है 5000mAh की बैटरी, जिससे आप बिना रुकावट अपने फ़ोन को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। कंपनी का मानना है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद आप 48 घंटे तक कॉलिंग, 15 घंटे तक मूवी, 9 घंटे तक गेमिंग और 81 घंटे तक म्यूज़िक का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है 30W का डार्ट चार्जर, जिससे आप अपने फ़ोन को 26 मिनट में 50% तक चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जिंग से कंपनी का मैसेज सीधा है कि यह फ़ोन आपके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाला है, बजाय इसके कि वह चार्जिंग में लगा रहे। अब बात करें इस फ़ोन में लगे गेमिंग प्रोसेसर की, तो इसमें है हीलियो G95 का गेमिंग प्रोसेसर, जो एक ऐसा प्रोसेसर है जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर देगा। साथ ही साथ इसमें है कूलिंग फीचर, जिससे आपके फ़ोन में हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें है कार्बन फाइबर कूलिंग सिस्टम, जिससे आपके फ़ोन को कूल करने में 8.6% यानी 8.6% तक मदद करेगा। अब इन सब के बाद बात करते हैं कैमरे की। Realme 7 के पीछे यानी रियर में क्वाड कैमरा दिया गया है। 64+8+2+2 के चार कैमरे आपकी फोटोग्राफी स्किल्स को और भी बेहतर करने वाले हैं। इसमें जो प्राइमरी कैमरा 64MP का है, उसमें है सोनी का IMX682 सेंसर, जिससे आपके पिक्चर क्वालिटी और डिटेलिंग और स्टनिंग होने वाली है। 1x1.73 के लार्ज सेंसर होने के कारण आपकी पिक्चर काफ़ी ब्राइट और पुअर लाइटनिंग कंडीशन में भी क्लियर इमेज देगा। इसके अलावा आपको मिल रहा है 2MP का माइक्रो लेंस, जिसमें आप टाइनी इमेजेस यानी सूक्ष्म इमेजेस को भी क्लियर अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, जैसे आपको 3 नाइट फिल्टर्स मिलेंगे, जिससे आप रात की चकाचौंध को अपने कैमरे में क्लियर कैद कर सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको 16MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है, जिसमें है टाइम लैप्स और पेनोरामा इफेक्ट जैसे फीचर्स। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें है UIS मैक्स वीडियो स्टेबलाइजेशन, स्लोमो वीडियो, 4K वीडियो, जिससे आप अपनी हाई क्वालिटी वीडियो को आसानी से कैप्चर कर सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं। व्लॉग का शौक रखने वाले लोगों के लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। Realme 7 के और फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इसके सिक्योरिटी फीचर में थोड़ा बदलाव किया है। फिंगरप्रिंट सेंसर को साइड के वॉल्यूम बटन के नीचे, जहां पावर बटन होती है, वहां प्लेस किया है और ये काफ़ी क्विक है। इसके साथ ही फ़ोन में 3 कार्ड स्लॉट हैं, जिसमें 2 डेडिकेटेड सिम स्लॉट के साथ एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है। मेमोरी कार्ड को आप यानी उसके स्पेस को 256GB तक बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके पास काफ़ी स्टोरेज उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने 2 वेरियंट निकाले हैं, जो एक है 6GB 64GB और दूसरा है 8GB 128GB। दोनों की कीमत आपको बता देता हूँ, 15,000 और 17,000 रुपये होगी। 2 कलर भी कंपनी ने निकाले हैं, जो है मिस्ट ब्लू और मिस्ट वाइट। तो इन फीचर्स को जानने के बाद अगर आप Realme 7 को लेने का प्लान बना रहे हैं, जो कि एक बजट स्मार्टफोन है, तो आपको फिर बता देता हूँ कि कल दोपहर 12 बजे ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर यह सेल के लिए उपलब्ध होगा। तो देर किस बात की, अपने स्टॉप वॉच को सेट कर लीजिए और इंतज़ार करिए कल का। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जिससे हम आपको दे सकें हर बीट की खबर अप टू डेट। नमस्कार।